साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने पैनामा केस में खराबियों की निशानदही और मुल्क को सही सम्त में चलाने के लिए हिदायत जारी होने की उम्मीद जाहिर की है। मजीद जानते हैं अवैस कयानी से। अवैस बताइएगा, चौधरी शुजात हुसैन का मजीद क्या कहना था? देखिए जी, साबिक वज़ीर आज़म ने पनामा केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है उसमें उन्होंने बात करते हुए कहा है कि उनको उम्मीद है कि जो खराबियों की निशानदेही होगी और डायरेक्शंस की तवक्को का जाहिर किया है कि उनको डायरेक्शन जो मुल्क को सही चलाने की डायरेक्शंस की हवाले से कोई डायरेक्शंस दी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की जजिस के हवाले से। साथ ही साथ उन्होंने जो रजा रबानी के हवाले से बात करते हुए कहा है कि रजा रबानी को अपने इख्तियार इस्तेमाल करने चाहिए। जिस तरह के साबिक जो चेयरमैन ने एक दफ़ा अटॉर्नी जनरल को दाखिले से ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा जो काबीना के जो वजीर हैं उनको पार्लिमानी जुबान नहीं आती और उनसे कोई तवक्को नहीं है जो अपने रवैये में तब्दीली लाएंगे, लेकिन रजा रबानी को अपने इख्तियार इस्तेमाल करने चाहिए और ऐसे वजीर जो कि उनकी बात नहीं मान रहे, जो कि ऐवान के तकद्दस के पामाली कर रहे हैं, उनको दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। और वजीर आजम जो सदर जो जी ठीक है, वैसे क्या नहीं, शुक्रिया आपका।